हमारे एक हाथ में आधार कार्ड है और एक हाथ में पैन कार्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा पैन कार्ड का जो नाम है वो आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है। लेकिन भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार अब क्या होना है कि भैया आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का नाम सेम होना चाहिए, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। लेकिन भैया दुकानदार वाले ने कर दी है गलती, जब भी हम कहीं पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं पैन कार्ड तो प्रॉब्लम क्या आ जाता है, उसने मैंने नाम बताया कुछ और उसने नाम लिख दिया कुछ और, हमने नाम बताया कुछ और उसने कर दिया कुछ और। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको भी देखने को जरूर मिला होगा और आपका पैन कार्ड बन गया, रेडी हो गया, लेकिन भैया नाम तो इसमें हो गया गलत। लेकिन 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 अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसको ऑनलाइन घर बैठे भी करवा सकते हो, आपको दुकान में जाने की झंझट नहीं है या उससे लड़ाई पीट करने की जरूरी नहीं है कि भैया तुमने क्यों नहीं किया, मेरा पैसा वापस दो। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं सामने में, लेकिन भैया आप इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, पैन कार्ड में नाम चेंज हो गया है, तो आप इसको ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं और उसको दोबारा रिक्रिएट या दोबारा रीजनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो में बताऊंगा, खुद अपने मोबाइल से करके दिखाऊंगा, तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं। तो चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको करके दिखाते हैं आखिर ये होता कैसे है। सबसे पहले गूगल में सर्च करना है पैन कार्ड ऑनलाइन करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आएगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन सर्विस .nsdl, ठीक है। जो पहला वाला आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको इसी तरीके की इनकी सारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है, मतलब एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप क्या है, तो चेंज या करेक्शन, ठीक है। अगर आप नया बनाना चाहते हैं ये भी हो सकता है, न्यू पैन के लिए भी है, लेकिन हमें चेंज करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। आपको कंट्री कौन सा सेलेक्ट करना है, कैटेगरी जो इंडिविजुअल है वो करना है, ठीक है। टाइटल में कौन सा करना है, आप श्रीमती ये क्या है, तो उस हिसाब से कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नेम लिखना है, इसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है, इसके मिडिल नेम लिखना है, इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है वो डालना है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो बैंक में है, ठीक है। जो मोबाइल नंबर है वो डालना है, ठीक है। अगर आप इंडिया के तो इंडिया करना है, इसके बाद यहाँ पे टिक लगा के आपको क्या कर देना है, यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। आई एम नॉट ए रोबोट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो इसके बाद एक नया फॉर्म खुल के मिलेगा, इसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा आप पता कर सकते हैं कि हमारा ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है।